सॉरी कहने के लिए बोला था तो पहले वो रिवेंज के चक्कर में कर रहा था बट अब उसे सौम्या से प्यार हो गया तो अब जो कुछ भी करेगा वो वो सौम्या के प्यार की वजह से करेगा पापा भी मना कर रहे और उनकी भी चली। जी पर वेदांत ऐसा है उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे उसके डाट क्या कहें या सौम्या का कहे उसे जो चाहिए वो उसे चाहिए तो अपने प्यार के लिए कर रहा है उसे वो उसे अब बस सौम्या ही दिखाई दे रही है हर जगह सो लेट्स सी अब क्या सौम्या क्या डिसाइड करेगी क्या वेदांत अपनी कौन सी चाल चलेगा क्या वेदांत वेदांत को सौम्या मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो अब तो आगे की बात है बट जो वेदांत के दिल में है दिमाग में है वो सिर्फ सौम्या है उसे और कोई कुछ नहीं दिख रहा था जो भी वेदांत ने चाल चली थी उससे उस हरमन को जेल हो गई एंड देन वो ये एक शर्त रखेगा सौम्या के लिए कि मैं हरमन को छुड़ा दूँगा पर तुझे ये करना पड़ेगा अब वो क्या है वो तो आप मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता बट कैसे वेदांत बहुत सारी चीज़ें कर रहा है सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले मज़ा आ रहा है मुझे तो फिलहाल जी तो, को तो... देख लेंगे तब की तब देखेंगे आई नो ऑबसली हरमन का रिएक्शन मुझे पता है क्या होगा बट वेदांत इज कॉन्फिडेंट कि उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा आगे अब क्या होगा राइटर्स क्या लिखेंगे वो तो पता चलेगा बट वेदांत किसी से डरता नहीं है फॉर श्योर अब आगे देखेंगे क्या होना है थैंक यू सो मच थैंक यू